तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, हमने सी पीवीसी पाइप को लिया है। जी हाँ दोस्तों, दोनों को हमने एक 18 इंची एक 12 इंची सी पीवीसी पाइप को काट लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कटिंग कितनी अच्छे तरह से हुआ है। इसके बाद हम दीवार में इसको लगा के ठोक देंगे। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देखिए, हमने दीवार में साइडर लगा के मार दिया, जो हमने एक इंची साइडर को मारा है, 1.25 इंची पाइप और 1 इंची साइडर। और यहाँ पे देखिए सी पीवीसी सोल्यूशन को हमने इसमें लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए प्लेन एल्बो को हमने इसमें फिट कर दिया। इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए जो 12 इंच का टुकड़ा हमने काटा था, उसको भी हमने यहाँ पे सी पीवीसी सोल्यूशन लगा के इसमें सटा दिया। आगे आगे इस वीडियो में देखते जाइए, वीडियो बनाने का कुछ और मकसद है। फिर हमने 1 इंची साइडल को इसमें लगा के ठोक दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रास एल्बो लिया है, सी पी वी सी सोल्यूशन लिया है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, अच्छी तरह से हमने सोल्यूशन को लगा के ब्रास एल्बो को लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये ब्रास का नल है, इसको हमने यहाँ पे टाइट कर दिया। यहाँ दोस्तों ये देखिए टाइट कर दिया, काफ़ी अच्छा नल है और काफ़ी बेहतरीन नल है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने वाली बात यही है कि इसमें नल में देखिए यहाँ पे पानी तो आ गया है दोस्तों यहाँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए नल में लीकेज है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नया नल में लीकेज है। तो हम इस नल को अब रिपेयरिंग करेंगे। यहाँ से हमने पहले पेचकस की मदद से इसको खोल लेना है और हम इसको पिलास की मदद से खोलते हैं। आपके पास अगर कोई और रिंच हो, स्लाइड रिंच हो, तो उसे आप खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका वाशर निकाल देना है और इसका ये पत्थर निकाल देना है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, ये दोस्तों यहाँ पे देखिए पत्थर टूटा हुआ है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए पत्थर टूटा हुआ है। तो हमने नए वाले पत्थर को ले लिया है और दूसरे पुराने नल का स्पेंडल का किसी भी पत्थर को आपको ले लेना है और अच्छी तरह से पत्थर को पत्थर पे घस देना है। यहाँ दोस्तों इसको घसिएगा तो काफ़ी इसमें चिकनापन आ जाएगा और काफ़ी बेहतरीन ये बन जाएगा। उसके बाद इसको लगा के फिर से जैसे आप निकाले थे उसी तरह से आप फिटिंग कर दोगे। उसके बाद यहाँ से आप लोग देखो इस वाशर को लगा दो। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो इस स्पिंडल को यहाँ से टाइट कर दो, ये देखिए। इसके बाद इसका नॉब लगा दीजिए इसमें और पेचकस से इसको कस दो। इसके बाद यहाँ पे फिर से हम पानी चालू करके देखते हैं। ये देखिए पानी दोस्तों यहाँ पे आ चुका है और इसको अब हम बंद करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों परफेक्ट फिटिंग हुआ है और एक बूंद कहीं से लीकेज नहीं है। तो आपका अगर नल किसी तरह से ख़राब हो जाए तो ऐसे आप लोग नल बना सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।